मौसम गर्मा धीरे धीरे शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, ऐसे में ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। धूप की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर लोग मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं में लस्सी एक ऐसा मशरूब है जो न सिर्फ जायकादार होता है बल्कि इसके कई फवायद भी मौजूद हैं। इसी सिलसिले में शहर हैदराबाद में लस्सी के शायकीन अफराद से आज हमारे नुमाइंदे शेख अब्दुल मुकर्रम ने खुसूसी गुफ्तगू की है और लस्सी के जायके के बारे में बात की है। शहर हैदराबाद में जब लस्सी का नाम आता है तो शालीमंडा पिस्ता हाउस के बाजू में वाकई मतवाले लस्सी पुराने शहर की यह मशहूर लस्सी है जिसे अवाम की पहली पसंद माना जाता है, जहां उम्दा मियारी दही से तैयार की जाती है। इनके यहां खालिस दूध से दही तैयार किया जाता है जिससे मुख्तलिफ अकसाम की लस्सी जैसे बादाम, पिस्ता, फालूदा, नॉर्मल व स्पेशल लस्सी तैयार की जाती है। गर्मा के मौसम के साथ ही यहाँ पर जायकेदार लस्सी के शायकीन की भीड़ लग जाती है। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और लस्सी पीने वाले अफराद के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट, siyasat.com। यहाँ पर लस्सी कैसा है? लस्सी नंबर वन है आज का जमाने, 35 साल से पीरे नंबर वन लस्सी है। लस्सी अच्छा है, उस वास्ते आके पीरे और अकबर साहब को भी सलाम करो। और क्या, अगर हर साल चार मीनार कने हर महीना महीना प्रोग्राम कर रहा नहीं कर रहा, हमको हमको बोलो बोल, मैं भी हम लोग एक बार आके जा आके जाता हूँ। और क्या, आपका नाम? मोहम्मद मोइस। लस्सी कैसी है यहाँ? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कितने साल से आप यहाँ पर आते हैं? मैं दो तीन साल से आता हूँ यहाँ पर। यहाँ का टेस्ट और रेट के बारे में, पिछली बार जब आप किए थे जब रेट का था भी क्या रहे थे? मुझे कुछ डिफरेंट हुआ है क्या? डिफरेंट तो नहीं हुआ कुछ भी, अल्हम्दुलिल्लाह वही चाहे टेस्ट तो चेंज नहीं हुआ कुछ भी। रेट तो बढ़ता उतरता रहता है, रेट का चढ़ना उतरना तो लगा हुआ है। हाँ, टेस्ट कैसा है? बेहतरीन है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लस्सी के बारे में? कुछ भी नहीं भैया, देखो दिन भर फिरो, 5 बजे के टाइम पे इधर आके पी लो, बस खत्म।